वेलकम स्टूडेंट, पार्ट अपना सेकंड चैप्टर मोशन इन लाइंस काइनेमेटिक्स। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर देखो अपन बहुत क्विक लेक्चर होगा, जल्दी जल्दी करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ समझानी है जो बेसिकली आपके मैथ के अंदर लगेगी। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं स्पीड, पिछले के अंदर हो गया था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अब इसके अंदर देखो दो और स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? स्पीड और वेलोसिटी। इट्स ए स्केलर एंड इट्स ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकंड, इसके भी मीटर पर सेकंड। वेक्टर से मीन है इसकी कोई डायरेक्शन ना इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब देखो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होती है या फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या यहाँ पे टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, ये टाइम लिख लो इसको, या डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्टेन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस कवर्ड इन स्टेट डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में एक ही फर्क है कि उसके अंदर डायरेक्शन होती है डिस्टेंस के अलावा डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, और ये होता है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इसके अंदर देखो अपन दो टाइप की स्पीड पढ़ेंगे और दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाली है वो है एवरेज स्पीड, एंड सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। देयरफॉर देयर इज ए टू टाइप ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो फर्क क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखो पहले क्या होता है फर्क कि बात करते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड इन तीन टाइप है, तीन टाइप देख लीजिए। अब इसके अंदर फर्क क्या है, तो जब बात करते हैं किसी बुक, मान लो कोई बुक लेते हैं अपन, तो बुक का अगर अपने पढ़ ली कोई बुक और उसका ओवरऑल रिव्यू देते हैं, यानी उसके पूरी बुक की क्या देते हैं, ओवरऑल रिव्यू देते हैं, तो उसका एवरेज होता है। यानी एवरेज स्पीड की बात तब अपन करते हैं जब क्या करते हैं, अपन ने एक बहुत ज़्यादा लेंथ कैलकुलेट करी हो, अपने एक जर्नी कैलकुलेट की हो, ट्रैवल किया हो कई दूर तक। ठीक है, उस टर्म के अंदर क्या टर्म यूज़ करेंगे? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड टर्म करेंगे। इंस्टेंट होता है वो एक क्षण के लिए होता है, एक इंस्टेंट के लिए, बिल्कुल छोटे टाइम डीटी के लिए। ठीक है, लेकिन जब बात में जैसे कि कोई बुक अपन ने पढ़ी उसका ओवरऑल रिव्यू देना है, तो अपन बोलेंगे एवरेजली बुक इज फाइन। लेकिन जब अपन बात करें दैट टॉपिक की बात करें कि वो टॉपिक कैसा था, तो अपन बात करें उसके इंस्टेंट टॉपिक की, एक इंस्टेंट की बात करें एक बुक की। ठीक है, तो वो होता है इंस्टेंट, जहाँ पे अपन इस किसी के स्पेसिफिक नेचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब बुक के एक पेज का रिव्यू देना होता है, वो क्या होता है? एक इंस्टेंट, एक टॉपिक, वो बुरा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, लेकिन एवरेज होता है वो पूरी जर्नी का होता है, उसके अंदर वो एवरेज वेलोसिटी एक ही रहती है। इंस्टेंट होता है वो हर पॉइंट पे क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। अब देखो ये बेसिक अपना, अब बात करते हैं एवरेज की क्या होता है क्या नहीं। देखो जल्दी एवरेज स्पीड देखो क्या होती है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से मतलब एक ही चीज का है। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से एक ही मतलब है, एवरेज वेलोसिटी एक चीज बताती है। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कितनी जल्दी चेंज हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है वो कौन बताता है? उसकी एवरेज वेलोसिटी है, उसकी एवरेज स्पीड बताती है। अब देखो किस कंडीशन के अंदर एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड एक इक्वल होते हैं क्या, वो देखो। जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एवरेज है वो ये बताता है, अगर इस कंडीशन मिले कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। ठीक है, किसी टाइम इंटरवल के अंदर कितनी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं क्या, अगर एक एवरेज स्पीड है वो क्या है, क्वेश्चन लेते हैं देखो, एक पहले तो इसका रिलेटिव नेचर देख लो, रिलेशन क्या है। अगर पूछे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होते हैं क्या, हो सकते हैं, एक टाइम आएगा जब इक्वल भी हो सकते हैं और जब नहीं भी होंगे। कब होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता जाता है, तो वो क्या है, उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चेंज हो, मतलब इक्वल हो सकती है। अगर बात कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड
और उसकी एवरेज वेलोसिटी है वो भी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या कहोगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर इक्वल है। लेकिन जब तक वो ये ना बताए कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, अगर वो कह रहा है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहे, अगर मान लो ये तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ये क्या जा रहा है, सर्कुलर पाथ में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और ये क्या जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तब इसकी स्पीड जो स्पीड है और इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है। लेकिन क्या वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल है क्या? नहीं होंगे, क्योंकि ये तो क्या जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर में जा रहा है। अब बात करें सर्कल से क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, किस किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी होती है उसमें क्या कंटेन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों में से एक भी चेंज हो जाएगा तो क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड एक भी रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, ये भी कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके अंदर डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, लेकिन इसके अंदर डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है क्या, डायरेक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या बोलेंगे अपन, एवरेज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब होंगे, जब ये भी क्या होगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा और ये भी क्या होगा स्ट्रेट लाइन में जाएगा, दोनों एक ही पाथ पे ऊपर मूव करते जाएंगे। लेकिन जब बात करें उनके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है लेकिन जो टोटल क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपन ने इक्वल बोला था, लेकिन किस टर्म के अंदर बोला था, मैग्नीट्यूड के अंदर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला था कि बड़ा हो सकता है और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है ना, और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहां पर टोटल बात हो रही है, टोटल की, ठीक है, टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, पूरे जर्नी की, अपने जितना अपने ट्रैवल किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, पूछा गया था, एक क्वेश्चन भी आया था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो क्या होगा कि एवरेज वेलोसिटी है, जो एवरेज स्पीड है और एवरेज वेलोसिटी है वो इक्वल होंगे किस टाइम के अंदर, जब स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा, और उसके अलावा जितने भी केस बनेंगे उस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी हमेशा छोटी होगी, किससे, एवरेज स्पीड से, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा छोटा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस है वो हमेशा बड़ा और इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी वो हमेशा एवरेज स्पीड से कम या उसके इक्वल होगी। इक्वल कब होगी, जब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। उसके अलावा जितने भी केस बनेंगे उस केस के अंदर एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड से क्या होगी, कम होगी। तो रिलेशन बनता है एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, है ना, और इसको डिवाइड में लाएंगे तो क्या बनेगा, एवरेज स्पीड ओवर एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये रिलेशन बनेगा, ठीक है। एवरेज का पता चल गया क्या होता है, एवरेज की बात तब करते हैं जब अपन क्या करते हैं, किसी एक लॉन्ग जर्नी, एक लॉन्ग ट्रैवल करके अपन किसी पूरे पाथ की बताते हैं, जैसे कोई गाड़ी है वो क्या है, पाथ के ऊपर जा रही है, उसने पूरे पाथ के अंदर क्या हुआ है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती गई है। लेकिन जब बात करते हैं कि उसने क्या, जब अपन बात करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है अपने पास कि कोई कार है उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, तो उसके अंदर अपन ने 60 किलोमीटर पर आवर क्या लिया है, कॉन्स्टेंट लिया, लेकिन गाड़ी क्या है वो पूरे रास्ते कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगी क्या, 60 की, लेकिन वो क्या लिया अपन ने वहाँ पे, एवरेज लिया। तो एवरेज क्या बताती है, टोटल जर्नी का एक कॉन्स्टेंट या बीच की जो वैल्यू बताती है। अब देखो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, देखो ए है, 3 मीटर गए बी तक, वापस क्या है, बी से ए तक आ गया, ठीक है, ए से बी तक गया और बी से ए तक आ गया, तो उसका पूछा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, ए से बी तक गया और बी से वापस क्या गया, ए पे आ गया, तो इसकी फाइनल पोजीशन भी यही थी, इनिशियल पोजीशन भी यही थी, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या है, 3 मीटर गया, यानी अगर मान लो फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो मान लो इसने डी दूरी चलाई है, ठीक है, ए से बी तक डी गया और बी से वापस ए डी और चलाए,
तो कितनी स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चलाइए, डी इधर गया है और बी से वापस गया है, ए तक आए, डिस्टेंस के अंदर क्या होगा टोटल एक्चुअल पाथ करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली इसने 2D। टाइम कितना लिया है, T1 इस साइड जाने में लिया होगा, T1 इस साइड जाने में लिया होगा, यानी T1 तो जाते टाइम और T2 क्या लिया है आते टाइम लिया होगा, या दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, T1 T2 इक्वल भी हो सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 एवरेज स्पीड। आ गया समझ में, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन करते हो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर अपन इंपॉर्टेंट चीज है वो करने जा रहे हैं कि कोई कार है ठीक है, वो ए पॉइंट से चली बी तक आई, बी तक वो वी स्पीड से चली, कितनी बी से वी तक। अब क्या कह रहा है, बी से वो सी तक दो स्पीड के अंदर चली है, ए से बी तक तो गई है वो कितनी वी की स्पीड से, वी से ठीक है वी की स्पीड से गई है, और वो बी से सी है वो दो स्पीड कवर की है उसने, बी से सी है वो V1 और V2 स्पीड से चला है, बी से सी है वो V1 और V2 चला है, आधी आधी दूरी नहीं चला। अगर ये डी है और ये भी डी है तो इसने ये नहीं कहा कि ये D/2 आधा चला है, आधा V1 से चला है और आधा V2, ये भी नहीं कहा ठीक है। इसने क्या कहा है, डी कवर किया ठीक है, कितना टाइम लिया है मान लो T1 टाइम तक तो वो V1 से चला और T2 टाइम तक वो V2 से चला, यही हो रहा है, T1 टाइम तक तो V1 से चला और T2 टाइम तक V2 से चला। आगे समझे, अब बताओ उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, क्वेश्चन समझो आराम से पॉज करके। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, ये कैलकुलेट करोगे कितनी आएगी एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2D, DA, टाइम कितना है, टाइम कितना लगेगा अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा निकालो, स्पीड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टाइम निकालोगे तो क्या आएगा डी ओवर वी, टाइम आ गया टी, कितना आया डी ओवर वी प्लस इसमें कितना टाइम लगा T1 है ना ठीक है, कितना टाइम लगेगा D/2 लगेगा क्या, देखो कैलकुलेट करो इसको। अगर मान लो उसने कहा है कि टाइम के आधे पार्ट तक, या क्या कहोगे, चलो देखो T=D/V आ गया इतना टाइम इसके लिए। अब इसके लिए T1 और T2 की वैल्यू कितनी आएगी भी, अगर मान लो उसने कहा है D/2 केस को चेंज कर देते हैं, D/2 आधा चला है V1 स्पीड से और आधा चला है V2 स्पीड से, अब निकालो T1 कितना आएगा D/2/V1 आएगा या नहीं आएगा, T1 कितना है D/2 आधा चला है V1 स्पीड से और आधा चला है V2 स्पीड से ठीक है। आगे समझो कितना लिखोगे, D/2V1 प्लस आ गया करो, देखो कितना आएगा 2V V1 V2 ओवर 2V1 देखो ओवर डी अपोजिट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो चेंज करो ये किसकी वैल्यू आ गई एवरेज
स्पीड की, ठीक है, एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी। अब देखो एक चीज़ और देखो कि अगर बात करें ये तो अपने तीन टर्म के लिए, अगर बोले दो पॉइंट के लिए, ठीक है, एक बार तो चला है V1 और एक बार चला है V2, ठीक है। अब टाइम क्या है, एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, टोटल डिस्टेंस 2D ओवर V1 प्लस टाइम कितना निकलेगा, D ओवर V1 प्लस D ओवर V2, यानी V1 V2 ये वैल्यू आएगी क्या भाई, D कॉमन लेके यहाँ से कट जाएगा, 2 ऊपर बचेगा, V1 V2 ऊपर चला जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। ये किसके लिए आया है, इस हिसाब से जैसे अगर बात करूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक बार तो 45 की स्पीड से चल रहा है, 45 किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, और आधी दूर वो चला है 60 मीटर पर सेकंड, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड कहाँ से निकलेगी, यहाँ से 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे 40 और 60 है तो एवरेज उसका 50 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आधा 40 की स्पीड से चले, आधा 60 की, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले से निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 2 40 60 कितना आया, 48 मीटर पर सेकंड। आना कितना चाहिए, 50, यानी उसका एवरेज कितना होगा, 48 मीटर पर सेकंड होगा। एवरेज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे समझ में, अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देखो, वेरी मैथ का टॉपिक है लेकिन यहाँ पे अपने फिजिक्स में लग रहा है, तो इसलिए क्या करें अपन यहीं पे समझना पड़ेगा क्योंकि मैथ की क्लास तो है नहीं, ठीक है, लगने ही नहीं, तो इसलिए अपन फिर यहीं पे देख लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस देखो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, ये क्यों करें, क्योंकि अब अपन जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी आएगी उसके अंदर ये यूज़ होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करना है, डिफरेंशियल कैलकुलस उसके लिए सबसे पहले बढ़ो स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप, ठीक है, अपने पास ग्राफ है, ठीक है। अब मैं पूछूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये लाइन जा रही है, ये बना रही है एंगल थीटा, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, यानी कितना झुका हुआ है ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना झुका हुआ है, स्लोप क्या है इसका, वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, इस थीटा का टेंजेंट, यानी टेन थीटा। अगर कोई ऐसे ग्राफ दे दिया जाए, पूछे उसका स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप क्या है, तो क्या निकालोगे उसका, टेन थीटा। अगर यहाँ से पूछे तो यहाँ पे भी कितना एंगल बना रहा है, थीटा, यहाँ से पूछे तो भी यहाँ पे क्या बना रहा है, थीटा एंगल के बना रहा है, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप क्या होगा, हर जगह एक जैसा होगा, और वो कितना होगा, टेन थीटा होगा। किसी भी ग्राफ का स्लोप निकालने के लिए उसका टेन थीटा निकालना पड़ता है। तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे इसको अलग निकालते थे, देखो इसका थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे यहां से निकालना है तो क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल, ठीक है। अब पूछ रहा है इसका टेन थीटा कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है टेन थीटा, वैल्यू क्या होती है टेन थीटा की, इसका टेन थीटा निकालो कैसे निकलेगा, ये अपनी वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस, कितना निकलेगा, वाई ओवर एक्स निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए दूसरा ट्रायंगल निकालो, ये देखो ये अपना
ट्रायंगल बनाए, अब इस थीटा के हिसाब से ये अपना ट्रायंगल बनाए अपने, अब बढ़ाओ क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, ये वाई एक्स टेन थीटा कैसे निकलेगा, ये वैल्यू चाहिए, वहाँ पे तो क्या थी, सीधा था, ये जीरो पॉइंट था, लेकिन ये अभी ये इतनी वैल्यू निकालनी है, ये कैसे निकलेगी, मान लो ये जो अपना पॉइंट है ये यहाँ पे x1 है और ये यहाँ पे क्या है x2, तो ये वैल्यू कितनी होगी x2 टू माइनस एक्स वन, सेम यहाँ पे अगर ये y1 है और ये क्या है y2, तो ये वैल्यू कितनी होगी y2 टू माइनस y1, तो tan थीटा कितना आया y2 टू माइनस y1 और x2 टू माइनस x1, और ये जो चीज़ है वो लाइन के हर पॉइंट पे क्या देगी, एक जैसी देगी, इसका स्लोप क्या देगा हर पॉइंट पे, एक जैसा देगा, tan थीटा है वो हर पॉइंट पे क्या देगा, एक जैसा देगा, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, tan थीटा इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स, डेल वाई ओवर डेल एक्स लिख सकता हूँ क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं एक स्लोप और लेते हैं, एक कर्व और लेते हैं, ये तो अपना स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, अगर मानो ये अपना कर्व है, ठीक है, जो क्या है कर्वी लीनियर फॉर्म में जा रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन में था, ये कर्वी लीनियर फॉर्म में है, ये वाई ये एक्स, अब इसका स्लोप निकालो, तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्या करना पड़ेगा, अगर इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो क्या करना होता है, इसके लॉन्ग एक टेंजेंट खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है, टेंजेंट खींचा जाता है, जिसके लॉन्ग इसका एंगल क्या बनता है, थीटा बनता है, अब इस थीटा से क्या निकाला जाता है, इसका टेंजेंट निकाल या जो स्लोप निकाला जाता है टेन थीटा करके, ठीक है, टेन थीटा निकालोगे तो ये आ जाएगा सेम टू सेम टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पे पूछे, ठीक है, अगर और कर्व कर दूँ मैं इसको, देखो अब यहाँ पे है अपना पॉइंट ए, इसके अलॉन्ग अपने टेंजेंट खींचा, ठीक है, ये पॉइंट है, अब देखो अब इसका राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे तो क्या था अपने पास, अपन ने एक परपेंडिकुलर डाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बनेगा, क्योंकि ये तो टेन पॉइंट ही यहाँ से टच हो रहा है, ये जो लाइन है इसका यहाँ पे तो देखो इसके लॉन्ग टेंजेंशियल खींचेगा वो इस लाइन के लॉन्ग जाएगा, इसके ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींचेगा वो इस लाइन के ऊपर ही ओवरलैप होगी, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, किसी भी क्या करोगे, इस कर्व है तो कर्व का क्या करना है, स्लोप निकालना है, तो इसके लॉन्ग एक स्पर्श रेखा खींचेगी, टेंजेंट खींचेगी, आ रहा है क्या समझ में, तो स्पर्श रेखा तो टेंजेंट तो खींच दिया, लेकिन अब इसका ट्रायंगल कैसे बनाए, क्योंकि जब तक ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तक अपना टेन थीटा नहीं निकलेगा, तो टेन थीटा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल कैसे बनेगा, अभी अगर बात करते हैं ऐसी कोई कर्व है और ये इसके दो पॉइंट है जो बिल्कुल उसके पास पास में, पहला पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है, अगर इन दो पॉइंट का क्या करना हो, अपने को स्लोप निकालना हो, बिल्कुल छोटे पॉइंट है देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे ओवरलैप कर मैग्नीफाइड करके देखो इसको, ठीक है, ये उसका पॉइंट एक है और ये उसका पॉइंट दो है जो कि बिल्कुल पास है, तो अब इनके ऊपर क्या बनाना हो, एक ट्रायंगल बनाना हो, तो ये जो कर्व लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन का काम करती है, कब, जब दो पॉइंट क्या हो, बिल्कुल पास पास में हो, अगर ये कर्व है, देखा होगा मैथ के अंदर, ये कर्व है और ये उसके दो पॉइंट है जो बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल नेगलिजिबल पॉइंट पे है, नेगलिजिबल दूरी पे, तब क्या करता है ये जो कर्व लाइन है ये क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन का काम करती है, तो इस कर्व की स्लोप फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं अपन, दो पॉइंट है वो इस कर्व के ऊपर बिल्कुल पास पास लेते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं अपन, उसका ट्रायंगल बना सके और उसका टेन थीटा निकाल सके, यही चीज़ है, तो टेन थीटा कैसे निकलेगा, इस कर्व के ऊपर क्या लेना पड़ेगा अपने को, बिल्कुल दो पॉइंट लेने पड़ेंगे जो क्या होंगे, बिल्कुल पास पास में, जैसे यहाँ पे एक यहाँ पे ले लिया, दूसरा यहाँ पे ले लिया, बिल्कुल नेगलिजिबल दूरी पे लेना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ठीक है, सेकंड फर्स्ट, तो अब क्या होगा, टेन थीटा ये क्या बनाया अपन एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल बन गया, अब क्या निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कौन सी, जो टेन थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, डेल वाई ओवर डेल एक्स, लेकिन यहाँ पे देखो क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ पे जो डेल वाई होगा ये क्या होगा, कोई ना कोई y2 टू माइनस वाई वन या कोई भी y3 थ्री माइनस वाई फोर होगा, कोई भी वैल्यू होगी, डेल वाई होगा, यहाँ पे भी ये क्या होगा,
डेल एक्स होगा। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, ये फॉर्म कैसे बन रही है, ऐसे बन रही है, ये थीटा है, ये डेल वाई है, ये डेल एक्स है, और ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है जो कि बिल्कुल क्या है, पास पास है, नेग्लिजिबल दूरी पे है, ठीक है। तो डेल वाई और डेल थीटा क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल पास पास में होने की वजह से ये डेल वाई और डेल एक्स क्या है, ये मान लो ये पहला पॉइंट है, ये क्या है दूसरा पॉइंट है जो बिल्कुल क्या है, इसके ऊपर है, जस्ट ऊपर है, जिसकी वजह से डेल वाई है वो क्या होता है, डेल वाई क्या है दो पॉइंट के बीच की दूरी, वो क्या होती है, जरिए बिल्कुल कम होती जा रही है, मिनिमाइज होती जा रही है, नेगलिजिबल होती जा रही है। तो यानी डेल वाई की वैल्यू किसकी और होगी, जीरो के इक्वल हो रही है, बिल्कुल जीरो से थोड़ा ऊपर है, जीरो के पास ही जा रही है, मतलब डेल वाई की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो क्या है, जीरो के पास है। और डेल एक्स की भी यही चीज़ है कि वो क्या है, डेल एक्स है, ये भी क्या है, बिल्कुल छोटा है, इतना छोटा है कि ये क्या है, जीरो के पास जा रहा है। यानी इसकी लिमिट कैसे जा रही है, टेन थीटा की लिमिट कैसे जा रही है, लिमिट डेल वाई एंड डेल एक्स टेंस टू जीरो, इसके ऊपर कितनी लिमिट लग रही है कि डेल वाई और डेल एक्स क्या जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है, इतना छोटा है कर्व के लिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये डेल वाई और डेल एक्स क्या हो जाता है, जब लिमिट क्या लग जाती है, उसके ऊपर जीरो की ओर लगने लग जाती है, क्योंकि ये क्या हो, ये बिल्कुल छोटी सी दूरी है, तो ये क्या होगी, लिमिट कितनी लगेगी, जीरो की लगेगी, क्यों, क्योंकि ये डेल वाई और डेल एक्स क्या है, बिल्कुल ही छोटी दूरी है, उसको अपन जीरो मान सकते हैं, जीरो के बिल्कुल पास है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो ये पूरी वैल्यू है, ये इस फॉर्म में ले जाती है, ये किस फॉर्म में आ जाती है, डी वाई ओवर डी एक्स, टेन थीटा ओवर डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन या स्लोप ऑफ एनी कर्व, इसको क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ एनी कर्व। आगे समझ में, ये कहाँ से आई, यहाँ से आ गया कि समझ में, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखो, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, अब tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स है, ये है क्या, स्लोप है किसका, y वर्सेस x का, y एक्सिस के अलोंग, y और x एक्सिस का क्या है, स्लोप है, ठीक है। यहां क्या बोलते हैं, एक चीज नोट करना है, इंपॉर्टेंट चीज है, डी वाई ओवर डी एक्स को क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं स्लोप ऑक्यूर्ड ऑन y वर्सेस x, x एक्सिस के लॉन्ग, y का क्या है, स्लोप है। या इसको जो फिजिक्स में अपन लेंगे, किस फॉर्म में लेंगे, है तो ये स्लोप, लेकिन फिजिक्स में अपन इसका मीन किस फॉर्म में लेंगे, कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x y के अंदर चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x के, जितना x के अंदर चेंज होता जाएगा उतनी रेट की चेंज किस में होती जाएगी, y में होती जाएगी। ये तो देख रहे थे अपन, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी जैसे जैसे x की रेट की चेंज होती जाएगी, वैसे उसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, y की भी रेशियो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लेते हैं अपन, डिफ्रेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं, फॉर्मूले अपन अगले लेक्चर के अंदर कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन समझ लेना, समझ में आ गया क्या होता है, या आप एक काम कर सकते हो, क्या करो, बुक के अंदर लास्ट के अंदर आपको डिफरेंशियल कैलकुलस समझना था, वो अपने समझ लिया होता क्या है। अब इसके फॉर्मूले है वो लास्ट के देख लेना, पीछे जो अपने बुक है, बुक के लास्ट के अंदर एक पेज है, उसके अंदर पाँच से फॉर्मूले लिखे हुए, ज़्यादा नहीं अपने कुछ यूज होंगे। जैसे क्या है, अगर अपने पास ये हो वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन है, इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन करो या इसका स्लोप निकालो, तो वो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूले को, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस एक, डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकलेगा इसका, एन एक्स, एन क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और उसकी एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। जैसे डी वाई ओवर डी एक्स है, जैसे वाई की इक्वल टू एक्स की क्यूब है, तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स कैसे निकलेगा, तीन आगे आ जाएगा, एक्स की पावर तीन में से क्या हो जाएगी, एक कम, यानी थ्री एक्स स्क्वेयर, आगे समझो ऐसे क्या निकल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन निकल जाएगा, ये फॉर्मूले अपने यूज होंगे आगे, ठीक है। और देख लो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, तो उसका dy ओवर dx क्या होगा, एक होगा, या इसको क्या बोल सकते हैं, x की पावर एक है, एक आगे आ जाएगा, x की पावर एक माइनस एक, यानी एक एक्स जीरो, यानी एक, तो x का क्या होता है y के रिस्पेक्ट में, एक होता है, ठीक है। ऐसी और देखो, मैं लिख लेता हूँ, आप कर लेना, dy